बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने कहा कि अगर उन्हें मौका मिला तो वह बेहतर सरकार चलाकर दिखा देंगी। 3 अप्रैल को उन्होंने विशाखापट्टनम में एक कार्यक्रम के दौरान कहा, अगर अवसर मिलता है तो मैं केंद्र में सबसे बढ़िया सरकार देने में उत्तर प्रदेश के सीएम के रूप में मिले अनुभव का प्रयोग करूंगी। बसपा चीफ ने कहा कि वह 4 बार सूबे की मुख्यमंत्री रह चुकी है, मुझे बहुत अधिक अनुभव है, मैं इस तजुर्बे का इस्तेमाल केंद्र में और लोगों के कल्याण के लिए करूंगी। अगर हमें केंद्र में अवसर मिलता है हम उत्तर प्रदेश के तरीके को अपनाएंगे और सभी दृष्टिकोणों से सबसे बढ़िया सरकार देंगे, सभी स्तरों पर एक अच्छी सरकार। पत्रकारों ने पूछा कि क्या वह प्रधानमंत्री बनना चाहेंगी, जवाब आया, चीजें जब स्पष्ट होगी, जब 23 मई को आम चुनावों के परिणाम आ जाएंगे। बता दें कि बसपा आंध्र प्रदेश में लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में जनसेना, माकपा और भाकपा के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है। बसपा राज्य की 25 लोकसभा सीटों में से 3 एवं विधानसभा की 175 सीटों में से 21 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जनसेना पार्टी प्रमुख पवन कल्याण भी इस अवसर पर मौजूद थे। मायावती ने आगे कहा कि लोग राष्ट्रीय स्तर पर बदलाव चाहते हैं। उन्होंने बताया, साल 2014 के चुनावों में मेरी पार्टी वोट शेयर के मामले में भाजपा और कांग्रेस के बाद तीसरे स्थान पर थी। पत्रकारों ने पूछा, क्या एक तीसरे मोर्चे की जरूरत है? इस पर मायावती का जवाब था कि चुनावी नतीजे आने पर ही यह स्पष्ट हो पाएगा। हालांकि उन्होंने आशा जताते हुए कहा कि राज्य में हुआ उनका गठबंधन आंध्र प्रदेश में सरकार बनाएगा और पवन कल्याण उसके मुख्यमंत्री होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, बाहुजन हलचल न्यूज़।